नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट विषय की, जो लाइफस्टाइल के कारण शायद हम सबको कभी ना कभी हो रहा है या हमारे परिवार में हो रहा है, और वह है ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, लेकिन ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिसको मसूड़ों की तकलीफ होती है, इसका दर्द वही जानता है, क्योंकि वह उसका पेन सह रहा होता है। दर्द दो तरह का होता है, एक दर्द जो दिल में हो रहा है तकलीफ से, दूसरा वो जो दर्द हो ही रहा है। तो दोनों तरह का दर्द एक जिसके मसूड़े में खून आता है और तकलीफ होती है, वो झेलता है। आजकल दांतों का इलाज महंगा है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंस आप इसकी इस बात से समझ सकते हैं कि इसके लिए मेडिकल साइंस में अलग से पूरी ब्रांच है डेंटल सर्जरी की, तो यह बहुत स्पेशलाइज्ड काम होता है। तो पहली बात तो साथियों ये, हम ऐसे काम न करें कि हमारे मसूड़ों से खून आने लगे। वह काम आपको भी पता है कि जो न करें, उन कामों में आ जाता है रात को आप ब्रश जरूर करें, फ्लॉसिंग जरूर करें, दांतों को साफ रखें, हाइजीनिक रखें, किसी पार्टी शादी से आए तो यूं ही सो ना जाएं, अच्छे से कुल्ला करें, माउथ वॉश करें, यह सब करें। मैं आपको लंबी बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिसको दांत की तकलीफ होती वो दोनों दर्द झेलता है। दिल का भी दर्द झेलता है कि उसको तकलीफ है, पैसा जाने का भी दर्द झेलता है क्योंकि दांतों का इलाज महंगा है, स्पेशलाइज्ड इलाज है, महंगा होना उसका जेन्युइन है, और जो वो तकलीफ झेल रहा होता है वो तो आप जान ही रहे हैं, कभी ना कभी आपने देखा होगा या झेली होगी। तो साथियों, जो ब्लीडिंग गम्स हैं, यह एक विषय होता है, क्योंकि ब्लीडिंग गम्स आपका पहला साइन होता है। स्थिति को आप यहीं भाप लें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भापेंगे तो आगे आप पेरिटोनाइटिस की तरफ चले जाएंगे, जो कि एक बड़ी समस्या होगी। तो आज हम आपको बताएंगे ब्लीडिंग गम्स को रोकने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, अचूक दवाएं, जो वास्तव में आपको फायदा देंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ब्लीडिंग गम्स होता क्या है। ब्लीडिंग गम्स साथियों वो स्थिति होती है कि जब आपके जो दांत होते हैं और मसूड़े होते हैं, इसके बीच में एक लेयर जो आने लगती है, जिसको कि प्लेक्स कहते हैं। यह जो एक लेयर होती है, इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगता है, और यह बैक्टीरिया ही आपको जो है वह ब्लड जो आपके गम्स में वो लाने की शुरुआत कराता है। पहली स्थिति जो साथी होती है वो होती है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस वो स्थिति है कि जब आपके गम्स में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हुआ, प्लेक बना और ब्लड से गम्स आने लगा। वहाँ तक स्थिति क्योरेबल है, आप घर पे क्योर कर सकते हैं अपने पे ध्यान देकर, क्योंकि बैक्टीरिया आउटर कवरिंग पे होता है, जिसको कि आप थोड़ा अपने मैनेजमेंट से, सफाई से, हाइजीन से रिमूव कर सकते हैं। वक्त के साथ आपके टीथ में टार्टार जमा होता जाता है, प्लेक्स टार्टार में कैलकुली में कन्वर्ट होता है, टार्टार में कन्वर्ट होता है, और जो हार्ट कैलकुली होते हैं इसके नीचे जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वह आपके लिए एक समस्या बन जाता है, और आपको जिंजिवाइटिस की जो बुरी स्टेज है, जिसमें कि आपकी जो टीथ की बोन्स हैं, गम्स की बोन्स हैं, उससे मसूड़े छूटने लगते हैं, वह स्थिति तक ले जाता है, जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो आपको इन स्थितियों से अपने को बचाना है, अव्वल तो आपको इन दवाओं की जो हम बता रहे हैं वो ज़रूरत ही ना पड़े, और पड़े तो आप इन दवाओं को करके अपने को लाभ पा लें। तो ये बात हो गई इसके सिम्टम्स के विषय में। फिर बात आती है इसके कारण। कारण साथियों, गम्स की ब्लीडिंग के कई होते हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर पहला तो डेंटल हाइजीन का ख़राब होना ही है, दूसरा विटामिन सी यानी की कमी यानी स्कर्वी का होना है, तीसरा ल्यूकेमिया का यानी ब्लड कैंसर का होना है, चौथा एक्सेसिव ब्लड थिनर्स जो लोग यूज़ करते हैं किसी मजबूरी के कारण, उनको तकलीफ होती है, वो कारण है। इस तरह तमाम कारण हैं। तो आपको डेंटल हाइजीन को ठीक रखना है, आप सब ठीक हो जाएगा। बताते हैं साथियों आपको गम से ब्लीडिंग रोकने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे साथियों, ये दवाएं आपकी जानकारी मात्र के लिए हैं, कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि आपके सिम्टम और मर्ज के सिम्टम आप में और दवाएं भिन्न हो सकती हैं, इसलिए हमेशा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। बहरहाल बताते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको होम्योपैथी में
गम्स की ब्लीड रोकने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स रोकने की है वह है फास्फोरस। फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर आप वीकली ले लें। अगर आपके गम से ब्लीड हो रहा है, शाम को आपकी तकलीफें बढ़ रही हैं, आपको ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद है और जो खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, वो ब्राइट रेड है, अगर यह स्थिति आपके गम्स की ब्लीडिंग की है तो होम्योपैथी में नंबर एक दवा आपकी 3 खुराक आपको फ़ायदा दे देंगी। आप 5-5 मिनट पर 3 खुराक फास्फोरस ले लीजिए, आप देखेंगे कि आपके गम्स की जो ब्लीडिंग है वह रुक गई और आप राहत महसूस करने लगे। होम्योपैथी में गम्स की ब्लीडिंग रोकने की बहुत कारगर दवा है मर्कसॉल। मर्कसॉल 30 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपके गम्स से ब्लीडिंग आ रही हो, थोड़ा उसमें बदबू हो, ऑफेंसिव हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, खास तौर से रात में हो रही हो। अगर यह स्थिति आप में है तो गम्स की ब्लीडिंग रोकने की बहुत कारगर दवा मर्सॉल है। मर्सॉल 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप अपने गम से ब्लीडिंग की समस्या को खत्म कर सकते हैं। फिर साथियों, कंडीशन आती है कि आपके पल्सेटिंग टाइप पेन हो रहा हो दांतों में, यानी पल्स महसूस हो रही हो दांतों में। एक था थ्रॉबिंग टाइप पेन, यह पल्स महसूस हो रही है दांतों में। अगर यह स्थिति और मुंह से बदबू आ रही है और आपका जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेयर फैट एंड फ्लैबी है, यानी आप गोरे हैं, मोटे हैं और थुलथुल हैं, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस कैल्केरिया कार्ब है। कैल्केरिया कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं, खासतौर से महिलाएँ कि जब उनके पल्सेटिंग टाइप पेन हो रहा हो, पल्स ऐसी दांत में महसूस हो रही हो, ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो, सर से पसीना बहुत आता हो और महिलाएं जो है वो फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, तो यानी हाइड्रोजिनॉइड वाटर भरा कॉन्स्टिट्यूशन हो सेल्स का, तो ड्रग ऑफ द चॉइस आपका कैल्केरिया कार्ब है। कैल्केरिया कार्ब के मरीज को सर्दी भी ज़्यादा लगती है, या सिम्टम्स हो तो आप कैल्केरिया कार्ब लेके अपने को ठीक कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपका जो गम से डिस्चार्ज हो रहा है उसमें नीलापन है, लाल नीले रंग का, ब्लूइश रेड कलर का ब्लड है और वो कोगुलेट हो रहा है, जम रहा है, अगर और वो बदबूदार है। अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्रियोजोटम। आप क्रियोजोट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो ऑफेंसिवनेस, बदबूदार ब्लू रेड कलर का ब्लड आपका डिस्चार्ज हो रहा है, वह ख़त्म हो गया और आप पूरी तरह ठीक हो गए। तो अगर आपके ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, बॉडी में कहीं भी ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, तो क्रियोजोट उसको ठीक करने की सबसे कारगर होम्योपैथिक दवा है। फिर एक कंडीशन आती है बड़ी थोड़ी अजीबोगरीब है कि महिलाओं में जब पीरियड आया, मेंसेस आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आया, मेंस्ट्रुएशन का टाइम आया, उस समय उनके गम से ब्लीडिंग होने लगी। तो अगर यह समस्या है कि मेंस्ट्रुअल टाइम पे आपको ब्लीडिंग हो रही है गम से भी, तो होम्योपैथी में इसको रोकने की बहुत अच्छी दवा सेड्रॉन है। आप सेड्रॉन 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम का जो गम से ब्लीडिंग है वह पूरी तरह ठीक हो गया और कहीं ना कहीं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी जो एलिमेंट है उसमें भी इस दवा ने रिलीफ दिया। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि लगातार खून आया जा रहा है गम से, आपके मसूड़ों से लगातार खून आया जा रहा है, तो अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है हेमेमिलिस वजिनेलिस। हेमेमिलिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके लगातार ब्लड आया जा रहा है मसूड़ों से और दांतों में भी बहुत दर्द है। तो अगर यह टूथेक की कंडीशन है और फ्रीक्वेंट या कंटिन्यूस ब्लडी डिस्चार्ज गम से हो रहा है तो हेमेमिलिस इज द ड्रग ऑफ द चॉइस, आप इसको लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो रहा हो और आपके दांत सड़ने लगे हो, टूथ का डीके भी हो रहा हो। अगर यह कंडीशन साथियों आप में हो कि डीके ऑफ टूथ के साथ आपका ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो, तो इसको ठीक करने की गोल्डन रेमेडी साथियों कैल्केरिया फ्लोर है। आप कैल्केरिया फ्लोर 6 पावर में 4-4 खुराक दिन में 4 बार ले, 4-4 टेबलेट दिन में 4 बार ले लें, एक बायोकेमिक दवा होती है, तो आपका यह जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स है यह भी रुक जाएगा और आपका टू टूके भी टीके भी रुक के आपको
स्वास्थ्य की ओर, बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि जरा सा भी कुछ टच हुआ, कुछ खाया, पानी भी पिया तो ब्लड आने लगा मसूड़ों से। अगर इतना फ्रीक्वेंटली किसी भी टच या छूने से भी आपके ब्लड आने लगता है गम से, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बोविस्टा। आप बोविस्टा 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आपके गम्स की ब्लीडिंग जो लगातार फ्रीक्वेंट बार बार हो रही, कुछ छूने पर भी टच पर भी, वह ख़त्म हो जाएगी और आप पूर्णतया ठीक हो जाएंगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके ब्लड दांत से आ रहा हो और यह तकलीफ रात में ज़्यादा बढ़ रही हो और प्यास बहुत लग रही हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके थर्स्ट बहुत ज़्यादा हो, रात में आपकी तकलीफ बढ़ रही हो, तो उस स्थिति में ब्लीडिंग रोकने की दांतों से गम से बहुत कारगर दवा है लेकासिस। आप लेकासिस 1 mg/3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर ले लें। आपका जो ब्लीडिंग है रात के वक्त ज़्यादा होने वाली गम से ब्लीडिंग है, जो कि ब्लूनेस भी लिए है डिस्चार्ज, और आपका मुंह बहुत सूख रहा है, बार बार आपको पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो इन तीनों सिम्टम को जो है लेकासिस रिलीफ करा के आपको ठीक करके आपकी समस्या का निदान करेगी। फिर एक कंडीशन आती है साथियों गम्स की ब्लीडिंग में कि आपके मसूड़ों में पेन हो रहा है और वह थ्रॉबिंग टाइप हो रहा है। थ्रॉबिंग का मतलब आपको नस महसूस हो रही है कि यहाँ पे दर्द हुआ, नस चली, नस से ब्लड चल रहा है, पल्स महसूस हो रही है। अगर ऐसी स्थिति आपको हो वो कि आपको ऐसा पेन महसूस हो रहा हो जो बिल्कुल थ्रॉबिंग टाइप हो रहा हो, धड़कन टाइप हो रहा हो, अगर ऐसी स्थिति आप में हो रही हो और आप इससे परेशान हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है हिपरसल्फ। आप हिपरसल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका थ्रॉबिंग टाइप पेन जो गम्स में हो रहा है यह भी ख़त्म हो गया और आप पूरी तरह क्योर हो गए। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको ज़रा सा भी ठेस लगी, मतलब ठेस का मतलब टच हुआ और चोट महसूस हुई, पेन महसूस हुआ और आपके गम से ब्लीडिंग होने लगी, तो अगर यह समस्या आप में है तो इसके ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा स्टेफिसैग्रिया है। आप स्टेफिसैग्रिया 32 बूंद दिन में 3 बार लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ब्लीडिंग को गम्स की रोक सकते हैं और अपने को बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जा सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि सुबह जब हम लोग ब्रश करते हैं तो सुबह ब्रश करते ही ब्लड आने लगा। अगर यह स्थिति है कि आप सुबह ब्रश करें और ब्रश के साथ है आपको ब्लड आने लगा, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में नंबर एक दवा है और दवा का नाम है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बो वेज 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको सुबह ब्रश करते ही खून आने लगा और आपके मसूड़े सिकुड़ने लगे, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगा, दांतों को छोड़ने लगे, अगर यह कंडीशन आप अपने में देखते हैं तो आप कार्बोवेज का इस्तेमाल करके यह कंडीशन दोबारा न देखने की अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि आप ब्लीडिंग ऑफ गम्स को ठीक कर सकते हैं और अपने मसूड़ों को भी ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों एक कंडीशन आती है जब आपके दांतों में सेंसिटिविटी बहुत हो जाती है और ब्लड आता रहता है, ठंडा भी बहुत लग रहा है दांतों में, गर्म भी बहुत लग रहा है और ब्लड भी गम से आ रहा है, तो अगर यह कंडीशन हो और तो आपको इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नेट्रम म्यूरेटिकम है। आप नेट्रम म्यूर 1 mg/power की 2-2 बूंद दिन 3 खुराक यानी कि 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपकी यह जो टूथ की सेंसिटिविटी है यह ख़त्म हो गई और आपको ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी रुक गया है। नेट्रम्यूर के मरीज में एक खास बात और होती है साथियों, उसको नमकीन चीज़ें खाना पसंद होता है और थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। अगर यह सिम्टम्स आप में है तो नेट्रम्यूर आपका ड्रग ऑफ द चॉइस है, यह दवा आपके गम्स की ब्लीडिंग को रोक देगी। एक सिम्टम है साथियों थोड़ा पिक्यूलर है, कुछ लोगों में होता है लेकिन होते हैं जिनका मेंसेस नहीं हो रहा है, मेंसेस बहुत इरेगुलर है या आफ्टर 40 ईयर्स लेडीज में गम्स ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में उस गम्स ब्लीडिंग को रोकने की जब महिला मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हो या फिर उनका पीरियड डिले हुआ हो, तो उस स्थिति में गम्स ब्लीडिंग को रोकने की बहुत कारगर दवा कैल्केरिया कार्बोनिकम है। आप कैल्केरिया कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार मरीज को देकर उसकी गम्स ब्लीडिंग को रोक सकते हैं और उनके मेनोपॉजल सिम्टम्स और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिरेंजमेंट है उसको भी ठीक कर सकते हैं। ये साथियों को दवाएं थी होम्योपैथी में, आपके
गम्स की ब्लीडिंग को रोकने की, इसमें मैंने काफ़ी सिम्टम करने की कवर करने की कोशिश इसलिए करी क्योंकि यह गंभीर विषय, क्योंकि जिंजिवाइटिस से ही पेरिडोनाइटिस की तरफ बढ़ता है और वह एक बहुत पेनफुल और एग्जॉस्टिव कंडीशन होती है। ये जो दवाएं बताई हैं साथियों, यह आप किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा क्योंकि दवा आपके हिसाब से भिन्न भी हो सकती है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों, तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को छोड़ दें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर दें। वक्त मिलते ही जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको साथियों यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके यूं ही सबसे पहले सबसे नए वीडियो अपने पास प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ देने के लिए और बातों को समझने के लिए, बात समझेंगे तो समाज को लाभ पहुँचेगा, इसलिए बातों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।